आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन चैनल एक खबर। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18B समृद्धि अपार्टमेंट में द्वारका मित्र मंडल द्वारा सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हरियाणा प्रदेश के जुझारू और लोकप्रिय युवा नेता सिरसा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर का अभिनंदन और स्वागत किया गया। प्रोग्राम में आए लोगों ने डॉक्टर अशोक तंवर का माला पहनाकर स्वागत किया। देखो, मित्र मंडल द्वारका द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। बड़ा सब लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी उनको समर्थन का आश्वासन मिला और आगे के लिए सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी की देश को विकसित करने की जो लड़ाई है उसमें हर भारतवासी का सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद मिले, यही हम कामना करते हैं। क्योंकि अब ये तो साथ ही कुछ हरियाणा पृष्ठभूमि के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, देश के अलग अलग, दिल्ली तो पूरा एक मिनी इंडिया है। सब लोगों का मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो रुझान और बढ़े और यहाँ जो चीज़ें दिल्ली को नहीं मुहैया हो रही है वो आने वाले समय में वो केंद्र की सरकार वो यहाँ पर करे। लंबे समय से ये जो प्रदेश है वो ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है, जो ढिंढोरा बहुत बड़ा बड़ा पीटते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो एक पुराने समय में बोलते थे, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की गारंटी। तो खाली की गारंटी ये देते हैं लेकिन कई बार समय और हालात इस तरीके के होते हैं, कुछ परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसे लोगों को भी लोग मौका दे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उन ताकतों से भी दिल्ली की जनता मुक्ति पाएगी और दिल्ली वर्ल्ड क्लास शहर बने। आज दिल्ली बहुत बदहाल है, कूड़े करकट के ढेर, सड़कें टूटी हुई। आज बहुत से लोग जो है, जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी उनको भी याद करते हैं, वे उन्होंने 15 साल के समय में बहुत कुछ किया लेकिन उसके बाद दिल्ली के हालात आप देख रहे हैं। तो ऐसे में नया विकल्प, नया संकल्प लेकर के दिल्ली की जनता 7 सीट दोबारा है मोदी जी को दे, 400 पार का जो आंकड़ा है वो हम क्रॉस करें और हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, जो मुद्दे बहुत लंबे समय से, कुछ आज़ादी के समय से थे, कुछ आज़ादी के पहले के थे और 550 साल का राम मंदिर का एक मामला आप सबने देखा ही है, उसमें भी सफलता मिली और आज राम मंदिर एक हकीकत के रूप में आया।